64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा स्मार्टफोन। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 8 Pro के बारे में। वैसे मुझे पता है बहुत से लोगों ने इस स्मार्टफोन का नाम पहले ही सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये भारत में लॉन्च हो गया है। इसकी जो सेल है वो Flipkart पर हो रही है। ऐसे इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि क्वाड कैमरा सेंसर आपको बैक में देखने को मिल जाता है, हीलियो का G90T प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि हीलियो की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है, गेमिंग लवर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। वैसे हम आपको इस वीडियो में Redmi Note 8 Pro के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के डिजाइन से लेकर के। तो जैसा कि आप बैक में देख पा रहे होंगे, चार कैमरे दिए गए, उसके जस्ट नीचे ही आपको फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। कलर ग्रीन में आप देख पा रहे हैं कितना यार दिखने को प्यारा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो बैक है वो Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। चलो दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.53 इंच की नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले भी आपको Corning Gorilla Glass 5 के प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। मतलब बैक और फ्रंट दोनों में ही आपको Corning Gorilla Glass 5 के प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन में फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, फ्रंट में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल रहा है, 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB के साथ आ रहा है। माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का आपको स्लॉट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस करो, और हाँ और पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बॉक्स के साथ ही 18W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, Redmi के जितने भी फोन आते थे उसमें बॉक्स के साथ चार्जर नहीं आता था, आउट ऑफ द बॉक्स आता था, लेकिन अब आपको इस स्मार्टफोन में बॉक्स के साथ ही चार्जर देखने को मिलेगा, और वो भी 18W का, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी बात है। और दोस्तों बात करूंगा यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको हीलियो का MediaTek वाला G90T प्रोसेसर देखने को आपको मिल जाता है, जो कि इस टाइम पर हीलियो की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिक्विड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। मतलब अगर आप अपने फोन में बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो तो आपका फोन हीट नहीं करने वाला है। एक और स्मार्टफोन आया था जिसका नाम था पोको M1, उस स्मार्टफोन में भी कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, और वही इस स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिलता है। तो गेमिंग लवर के लिए तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसी बात पर मैं देना चाहूँगा Redmi Note 8 Pro को बड़ा सा एक लाइक। अगर आप भी देना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों अब वक्त हो गया है जब भी मैं आपको बताऊं कि ये फोन सबसे ज्यादा सुर्खियों में क्यों है। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं इसके कैमरे को लेकर के। इसमें आपको बैक में क्वाड कैमरे देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग देखने को मिल जाता है, और अगेन 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। तो बैक के कैमरे कितने ज्यादा कमाल के दिए गए, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। साथ ही साथ अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं, यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये कैमरे को लेकर के बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, क्योंकि एक और स्मार्टफोन आया था जिसका नाम था Realme XT, उसमें भी आपको क्वाड कैमरे सेंसर देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं Redmi Note 8 Pro और Realme XT Pro के दोनों के बारे में कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो फोन में सारा कुछ अच्छा होता है, आपको बताए कैमरे अच्छे हो, बैटरी अच्छी हो, डिस्प्ले अच्छी हो, लेकिन फोन को सबसे ज्यादा अच्छा बनाता है उसका प्राइस। जी फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइस है 6GB 64GB वाले की रखी गई है वो 14,999 रुपये रखी गई है, वही 6GB 128GB वाले की जो रखी गई है वो 15,999 रुपये रखी गई है, और इसका एक और हाई वेरियंट 8GB 128GB वाले जो वेरियंट की कीमत रखी है वो 17,999 रुपये रखी गई है। तो मैं आपको जरूर से सजेस्ट करना चाहूँगा, या आप 15,999 रुपये वाला या 14,999 रुपये वाला इसका वेरियंट खरीद सकते हैं, आपको हाई वेरियंट जाने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पसंद आए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जोर से प्रेस करना, और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। मैं आप लोग आपको नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।